मैं आप लोगों का रिजर्व सिख। तो हम लोग फिलहाल अभी है चंद्रपुरा स्टेशन में। हाँ मैं रवि भाई, इधर नीलकमल, इधर देखो रे। तो हम लोग अभी यहाँ से निकलने वाले हैं डॉक्टरगंज के लिए। तो आप लोग को वहाँ का सारा कुछ दिखाते हैं। अभी फिलहाल टाइम हो गया हम लोग का, 8 बजने वाला है। तो अभी ट्रेन आने वाला हम लोग का, तो फिलहाल टिकट उकट कटा के हम लोग अंदर घुस रहे हैं। तो ये देखिए प्लेटफॉर्म। चढ़ने वाले हैं, तो आप लोग को चढ़ने के बाद दिखाते हैं रास्ता का सफ़र। और वहाँ से हम लोग को एक और ट्रेन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल रुकने वाला है ये ट्रेन, ये फ्रेंड्स। अभी फिलहाल हम लोग को सीट मिल गया है। तो आप लोग को यहाँ से लगभग और 10 मिनट में ट्रेन निकलने वाला है। और फिलहाल पूरा का पूरा ट्रेन लगभग खाली हो चुका है। फिलहाल रात का 9:30। तो आप लोग को वहाँ पहुँच के दिखाते हैं, आगे इस तरह मिलते जाएगा स्टेशन। कुछ दिखाने लायक तो आप लोग को दिखाएंगे। बरका काना स्टेशन में रुके हुए हैं। हम लोग का ट्रेन है अब सुबह 3:30 को। तो अभी फिलहाल हम लोग खाना का व्यवस्था में जा रहे हैं। आप लोग का टिकट फिर से हो चुका है। हम लोग टिकट उकट कटा के आगे निकल रहे हैं, क्योंकि और लगभग 20 मिनट में हम लोग का ट्रेन आने वाला है। टाइमिंग, हम लोग 4 नंबर प्लेटफॉर्म में जाने वाले हैं। और नीलकमल सोया है कि नहीं रात में? दो घंटा सोया है। अरे भैया आप सोए कि नहीं? हाँ सही। रवि भाई को हम लोग आते हुए टाइम, रवि भाई को हम लोग ट्रेन में सोने का छूट दिए थे, इसीलिए यहाँ पे हम लोग दोनों सो गए। और रवि भाई जाग के हम लोग का मोबाइल चेक कर रहे थे और चार्ज किए फुल। तो अभी फिलहाल टाइम आप लोग देख सकते हैं 3:06 हो रहा है। अभी हम लोग लातेहार में हैं, तो आप लोग देख सकते हैं लातेहार स्टेशन। तो आप लोग को वहाँ पहुँच के दिखाते हैं। और थोड़ा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं। हम लोग पहुँच चुके हैं। लोग फाइनली देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं डाल्टनगंज। यहाँ बहुत थक गए हैं। अब यहाँ से आप लोग को आगे का रास्ता दिखाते हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं। हम लोग को भी एग्जैक्ट पता नहीं है, तो प्रकाश को या फिर रितेश भैया को फोन करेंगे और वहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं। तो टोटो मिल गया है यहाँ पे स्टेशन साइड। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है स्टेशन से। पहली बार टोटो में सफर कर रहे हैं। पहुँच के दिखाते हैं आप लोग को। Yeah.
तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आ गए हैं होटल कचला गोदाम नहीं इसको होटल बोलिए होटल ब्लू बर्ड्स। तो यहीं पे हम लोग फ्रेश होने वाले हैं। रितेश भैया कुछ बोलेंगे अपना तरफ से बाजा बजा के कैसा बाजा तो बजाने में ठीक ही लगा बाकी धूप बहुत ज़्यादा था कंडीशन कंडीशन बहुत खराब था धूप और इतना आज ज़्यादा धूप था मत बोलिए बता ऐसा लग रहा था कि चक्कर मार देगा ठीक है तो फिर भी किसी तरह पवन भैया मैनेज किए और रितेश भैया और लालटू भाई भी थे तो आधा अधूरा में फिर कहाँ चल गए।
अभी फिलहाल हम लोग रूम के अंदर हैं, खाना वाना खा के नीलकमल थोड़ा रेस्ट करेगा। रितेश भाई पूरा पूरी सो चुके हैं, थक गए हैं इसलिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और रात वाला रोड शो आप लोग को जो नाइट में लाइटिंग वगैरह होगा वो सब आप लोग को दिखाते हैं, उसका कुछ अलग वीडियो आप लोग को अपलोड कर देंगे, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। तो फिलहाल मिलते हैं फिर से कोई नई वीडियो में, तभी के लिए बाय। नीलकमल भाई करो।